हाथ नहीं है ना, हाथ नहीं है में से। जोर से हाथ नहीं है में से। जोर से कब्रिस्तान में से। कहाँ से लाए थे? कब्रिस्तान में से। कितना टाइम हो रहा ला के? कितने साल हो गए? हाथ नहीं आ रहा। कितने साल हो गए छोकरी के आंग में डाल के? क्या नाम छोकरी का? उस्मा के आंग में डाल के कितना टाइम हो रहा? दो साल। कितना टाइम हुआ? दो साल। क्या मकसद से डाले थे? क्या बोल के डाले थे? मर गई बोल के। मार दे मार दे उसको, सब परेशान कर करके बोल के संसार भी तोड़वा दे बोले थे। लड़ाया लगा रहा था औरत में। मरिया जी औरत आदमी है, जिन्ना थे कौन है? मरे वाली है। मरिया जी है औरत आदमी है? औरत है। औरत है। हाथ नहीं है ना, हाथ नहीं है। जोर से कब्रिस्तान में से। कहाँ से लाए थे? कब्रिस्तान में से। कितना टाइम हो रहा ला के? कितने साल हो गए? हाथ नहीं है। कितने साल हो गए छोकरी के आंग में डाल के? क्या नाम छोकरी का? उस्मा के आंग में डाल के कितना टाइम हो रहा? दो साल। कितना टाइम हुआ? दो साल। क्या मकसद से डाले थे? क्या बोल के डाले थे? मर गई बोल के। मार दे मार दे उसको, सब परेशान कर करके बोल के संसार भी तोड़वा दे बोले थे। लड़ाया लगा रहा था औरत में। मरिया जी औरत आदमी है, जिन्ना थे कौन है? मरे वाली है। मरिया जी है औरत आदमी है? औरत है। औरत है। पत्ते से मारता था साइकिल के मौलाना। अच्छा बोल के तू उससे लड़ा लड़ा के भगा दी उसको? हाथ आएगा, हाथ नहीं आना चाहिए, नहीं समझ रहा। जवाब देते उजमा को कई में खिलाए थे? क्या खाना था? दवा ला के जादू की कई में खिलाए थे? दवा खिलाए थे। कौन खिला के छोड़ा कब्रिस्तान से ला के तुझे इस गैंग में? मेरा महाराज ने ला के छोड़ा। झूठे बातें कर रहा, जलाओ उसको जरा तेजी के साथ में। छोड़ता हूँ तुझे अभी, पूरा जला के राख करता हूँ। इधर से आके इधर से लो, जकड़ो उसको तेजी के साथ में। उस्मा का क्या लेके गए थे जादू करते टाइम पे? दवा ले गए थे। क्या लिए थे? शर्ट कपड़ा मक्की चप्पल क्या लिए थे? कपड़े। कौन से गांव के कब्रिस्तान से उठाए तुझे? वाजे गांव के। और इसको दवा कहीं में मिला खिलाए थे? छुकरी को उस्मा को कहीं में मिला खिलाए थे? दवा थी मौलाना। कौन से खाने में? दाल सालन में। अच्छा जकड़ो उसको तेज। और इसके माँ को बहनों को भी मार बोल रहे थे क्या तुझे आंग में घुस के? उसके आओ मौलाना आओ, हमारे माँ को बच्चे को मारे। चलाता हूँ तेरे तेजी के साथ में। सतेंगा दोबारा छुकरी सतेंगी? नहीं। तू मरिया जी औरत आदमी है? औरत है। कौन है? औरत। अच्छा सतेंगी अब दोबारा? नहीं नहीं। मरने से पहले नाम क्या था तेरा? उस्मा। नहीं तेरा नाम पूछा मैं, तेरा छुकरी का नहीं पूछा। मेरा उस्मा था। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, दोनों नाम सेम इत्तेफाक नहीं हो सकता। कहाँ से तुझे कब्रिस्तान से वजह क्योंकि पकड़े थे ना? तो तू मरने से पहले तेरा नाम क्या था? कौन थी तू मरने से पहले? शैतानी थी। कैसा मरी थी? बीमारी से, एक्सीडेंट से? कैसा बीमारी से मरी थी? अच्छा साथ में ले जाने का था। कैसा मारने का था छुकरी को? जला के। कैसा? जला के मारा ना। अच्छा कौन बोला था तेरे को इसको जला के मारो बोल के? बोली थी। नहीं कौन बोला था? कौन था वो जिसने इस पे जादू करा? तो कौन था वो आदमी? था आदमी। किधर रहता वो आदमी? वाजे गांव में रहता जिनके मौलाना ने। अच्छा मौलाना ने पकड़े वाले और देने तुझे, पूरा जला देंगे तुझे। एक साथ में उसको यहाँ क्यों नहीं आने दे रही थी तू अंदर? मौलाना हमारे माने बोले चौकट ना उठ नल्ला बोले।
यहाँ मेरे पास में ये उज्मा को यहाँ अंदर आने क्यों नहीं दे रही थी, बाहर क्यों रुका रही थी तू? हाँ अंदर कटने वाली बोल के नहीं अंदर थी इसको? नहीं, 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 हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम बस जो उन्होंने पकड़ के लाए ना थे को अंदर जला के राख कर दी थी, लोगों की जिंदगी खराब कर दी थी। अभी तक कितने इंसान को मारी? नहीं मारी, मारा ना किसको भी। ये पहला शिकार था क्या? अब सताएंगी घर में उसको? मार नहीं मारा ना, नहीं सताऊंगी, नहीं। अब मारेंगी उसके माँ बहनों को? नहीं मारा ना, नहीं। बच्चे को मारेंगी उसके? नहीं मारा ना, नहीं। उसके बच्चे भी है क्या जादू करे वाला? जलाओ उसके दोनों हाथों में, आग लगाओ। क्या करेंगी अब तू? छोड़ के जाएंगी सीधा, अगर नहीं जाएंगी तो पूरा काट के जला दूंगा। समझ में आया? चल दोनों हाथों मुंह पे मार के तोबा तोबा कर, जोर से अल्टा के तोबा तोबा कर, उल्टा के और जोर से चीख मार के तोबा कर, जला दूंगा। ताकत लगा रही थी भर, जोर से लगा, जोर से सताएंगी उसके माँ को? नहीं नहीं मारा, नहीं नहीं सताएंगी उसके बहन को? मारेंगी बहन को? नहीं 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 मारा। आपको सताएंगी? नहीं। मरद को सताएंगी? नहीं नहीं नहीं। मरद जोर में लड़ाई लगेंगी? नहीं 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 मारा। अब उसको परेशान करी तो तेरे हाथ कतर दूंगा पूरे, देखी ना कैसे काट के फेंकूंगा। तो देखी नहीं देखी? देखी देखी। जोर से कर तो बा, पानी दो ग्लास में। सताना नहीं उसको दोबारा, समझ में आया ना? टुकड़े कर दूंगा टुकड़े, बाहर हाथा टांग दूंगा। कमबख्त तुम्हारी माँ की नालायक शैतानो। अरे उज्मा, पानी पियो। क्या नाम है उसका? ये जो मामला है तो ऐसी दास्तान थी कि अभी अंदर ही नहीं आ रहा था वो पेशेंट, बाहर गालियां दे रहा था, गलू क्या कर रहा था, अंदर नहीं आ रहा था। उसको अंदर 10 जनों ने पकड़ के लाए खींच के, वो बला वो शय। और दूसरी बात कि वो घर में माँ को सताना, बाप को सताना, बहनों को मारना, सबको मारना, कुछ समझना नहीं उसको क्या हो रहा क्या नहीं। तुम कुछ भी चीज पिला रहे, दुआ का पानी की पहले चंदर की बला भाप लेती थी, भाप के वो थूक देती थी, बहुत बहुत सताती थी वो और वो लोगों को। बाद में खैर आखिरकार उनको जो भी डाउट था वहीं आने के बाद क्लियर हुआ, जो बला थी और बला सता रही थी वो खैर उसको सब पूरा मार मार के भस्म करा देते। और वो जो था वो दवाई जो अलग अलग किस्म की रही थी, तो ये जो दवा थी तो ये दिमाग पे जाके बैठने अलग किस्म की थी, या खून में भिन जाती, एक कलेजे की तरफ चढ़ती, एक दिमाग पे चढ़ जाती, तो दिमाग पे चढ़ी थी। अब आगे इंशाल्लाह दुखान की शक्ल में थोड़ा बहुत जो भी बचा कुछ निकल जाएगा बह जाएगा। बाकी जो है तो लोगों, मोमिनों, अल्लाह के बंदो, कोई भी एक जिक्र का मामूल बनाओ, कोई भी एक जिक्र तुम पढ़ो, वो जिक्र की तस्बीह करते जाओ एक वक्त खाली टाइम पकड़ के कोई भी। तुम जैसा जैसा ज्यादा से ज्यादा जिक्र करेंगे तुम ये सब हवाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। और दुआ मोमिन के वास्ते हथियार है, अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया, तो हमको समझ में नहीं आता दुआ कैसा हथियार है। तो आप देख लीजिए ना, दुआ ऐसा हथियार है ये सब बलाओं से वबाओं से तुमको महफूज रखता। तो दुआ का मामूल बनाना, ज्यादा से ज्यादा दुआ पढ़ना, खाते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, हर वक्त की दुआ दिया अल्लाह ने तुमको, इतना बड़ा एहसान करा मेरे मालिक ने, तो तुम याद तो करो, उसके फायदे तो उठाओ लोगो। तुम याद नहीं करेंगे और फायदा हासिल नहीं करेंगे तो किसका क्या आ जाएगा। बट मैं यही कहता तुम लोगों को बार बार की इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत तुम्हारे ढाल बन के बचाती, अल्लाह की डायरेक्ट नजरे करम तुम्हारे पर रहती, कोई फिर तुम पर जादू तो न कर नहीं सकता। और तुम बेगुना लोगों को सताएंगे तो फिर बाद में तुम पे तो वार पलट के पड़ेगा, फिर बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें। औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन को तो कभी बोलना ही नहीं बुरा, अजी से अरे भी उनके वास्ते दिमाग में सोच भी लिए तो अल्लाह पहले फरमाता उनके वास्ते अगर तुम बोझ रखेंगे, अल्लाह फरमाता मेरे औलिया अल्लाह के वास्ते तुम अगर अपने दिल में बोझ रखते तो मैं तुमसे खुले जंग का ऐलान करता हूँ। बोस बोले तो अभी गाली भी नहीं दी, अभी कुछ भी नहीं दिए, तुम खाली दिल के अंदर बोझ रख रहे हैं, क्यों कर ऐसा बोल रहे तुम, क्या है कि देखेंगे खत्म, इस पे से जंग का ऐलान करता अल्लाह।
बोझ रख रहे तो, तो गाली देना बुरा बोलना तो बहुत दूर की बात है, फिर तो तुम्हारे कैसा रगड़ के मसल के खाक तुम्हारे नस्लों को तुम्हारे कर देंगे अल्लाह, फिर बोल नहीं सकते। क्योंकि तुम सबसे लड़ सकते, तुम सबसे जीत सकते, मगर अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता और अल्लाह से कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि इन अल्लाह अला कुल्ली शय कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। देखो अल्लाह ने फिरौन का क्या हल करा, दज्जाल का क्या हल, फिरौन का क्या हल करा, नमरूद का, शद्दाद का, अब आने वाले दज्जाल का भी क्या हल होगा तुम सब देखेंगे, क्योंकि अल्लाह से के ही हर कोई मोहताज है। और यहाँ तक के जानदार भी और बेजान भी सब पे अल्लाह हुकूमत करता, और शैतान से तो बढ़कर इनकी दुनिया में ये इबलीसों में कोई नहीं होगा, तो शैतान तक खुद अल्लाह का मोहताज है। तो तुमको मैं क्या बयान करूँ, बहुत सारे बातें हैं, बट इस वास्ते ही तुमको बोलूंगा कि तुम अल्लाह से नहीं जीत सकते। देखो ना नमरूद का क्या हुआ था, अल्लाह से लड़ने गया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोलता कि इब्राहिम जा तेरे खुदा से कह दे कि मैं तेरे खुदा से कह दे कि नमाज अल्लाह माज अल्लाह नमरूद का कहर करते खुदा पे नाजिल होगा। अब नमरूद का कहर देखेंगे, बोले तेरा खुदा, इब्राहिम जा तेरे खुदा को बोल दे फौज लेके तैयार हो जा, नमरूद उसका लश्कर लेकर खुदा पर माज अल्लाह हमला करने वाला, चढ़ाई करने वाला, खुदा उसका कहर माज अल्लाह देखेंगे। अरे यखल के अंधे, तेरी औकात और तेरी हैसियत क्या है नमरूद, फिर अल्लाह ने बोला 18,000 मखलूक में से एक मच्छर को हुक्म दिया अल्लाह ने, और एक मामूली मच्छर को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाके बोले अल्लाह नमरूद बोल रहा तेरे से जंग लड़ने का और तू तैयार हो जा, उसका तेरे पे कहर आने वाला, ऐसा बोला माज अल्लाह। तो अल्लाह ने बोला ऐसा मेरी फौज, अल्लाह की फौज तैयार करो, बोला उन्हें जंग करने नमरूद के साथ, नमरूद आ रहा। तो अल्लाह ने बोला अल्लाह की फौज तो तू क्या देखेगा, अभी बहुत दूर की बात है, फरिश्तों की फौज है वो सब फौजें देखने की, 18,000 मखलूक में से मामूली मच्छर जिसको सब मसल देते लोग यूं करके बैठा तो रगड़ देते, मसल देते, मार देते, वो मच्छर में से भी माजूर मच्छर लंगड़ा उसको हुकुम दिया अल्लाह ने, जाओ जरा उसको धूल चटाओ। वो गया, नाक में से घुसा, दिमाग में जाके बैठ गया, उसका दिमाग में से खून पीता था, तो जैसा उसके दिमाग में घूम 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 करता था वो मच्छर की, उन्हें बोलता था मारो 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 मारो, ही अच्छा लगता था उसको। वो नमरूद को भी रुतबा अल्लाह ने दिया था कि जब नमरूद के शहर में लोग दाखिल होते थे तो नमरूद को सजदा करना पड़ता था। नमरूद वो बादशाहों में था, नमरूद को अल्लाह ने वो बादशाह दिया था जहां से सूरज डूबता, जहां सूरज निकलता और जहां तक सूरज डूबता वहां तक उसकी हुकूमत थी। सिर्फ वैसे 4 सम्राट दुनिया के अंदर गुजरे, 4, जिसमें से 2 मुसलमान थे और 2 अल्लाह को नहीं मानने वाले, शैतान को मानने वाले थे। तो उसमें से एक नमरूद भी था, जिसमें से एक सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। तो इनको ऐसी हुकूमत दिया था अल्लाह ने जहां से सूरज निकलता, जहां सूरज डूबता वहां तक की हुकूमत नमरूद को भी थी। तो नमरूद ने क्या करा, घमंड करा, और वो भी रुतबा वो भी मर्तबे भी तो अल्लाह ने दिया था ना उसको। चाहे बंदा अल्लाह को दुनिया में मानो या बुत परस्ती करो, मगर फिर भी तो अल्लाह ही देता ना उसको हर चीज, नमाज था। वो हशर में वो फैसला लूंगा बोलता मरने के बाद, तो अल्लाह ने उसको इतना बड़ा मर्तबा दिया था। जो भी शहर में दाखिल होते थे नमरूद को सजदा करके अंदर जाते थे। बाद में ऐसा आलम होगा अल्लाह से जंग करने निकला तो एक मामूली मच्छर दिमाग में पड़ गया तो सिर पे मार रहे धब धब, तो अच्छा लग रहा मच्छर खाम पर, जूता रखा था जूता मारा सिर पे तो और अच्छा लगा, तो सारे दरबारियों को जूता मारने लगा रहा सिर में। बाद में सबके हाथा दुखने लग गए, थक गए सब, अब कितना मारेंगे जूते। तो लास्ट में उसके तख्त को चौरस्ते पर ला कर रखे और बोल दिए कि जो भी शहर में दाखिल होगा आज के बाद से, पहले उसको सजदा करते थे, अब सजदा करने का रूल्स कट, अब 10 जूते सिर में मारना और आगे बढ़ना। कैसा जलील कराया अल्लाह ने, इन्नल्लाह अला कुल्ली शय कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ने पहले उसको मर्तबा दिया था कि सजदा करके लोग आगे जाते थे, और बाद में अल्लाह से लड़ने निकला तो अल्लाह ने उसको वही बता दिया उसकी हैसियत कि 10 जूते सिर में मारो और आगे बढ़ो, 10 जूते सिर में मारो आगे बढ़ो। तो कोई अल्लाह से जीत नहीं सकता, कोई सब अल्लाह की कुदरत है और हर चीज पे अल्लाह ही कादिर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में तुम जी रहे खा रहे, और वही औलिया अल्लाह को तुम अगर बुरा बोलेंगे तो फिर तो तुम्हारे को अल्लाह ने पहले से बोल दिया, फिर जो खुले जंग का ऐलान करता कोई अल्लाह से जीत नहीं सकता, कोई अल्लाह से क्या बोलते तो फिर आगे जा भी नहीं सकता। ऐसा मसल के ऐसा जहन्नुम का ईंधन बनाएंगे अल्लाह, फिर ला महदूद के बयान नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े क्या बोलते तो इबलीस तुम्हारे हरकतें करता भहकाता, इबलीस का ने इबलीस के पास में तुम्हारे बहकाने के वास्ते 72,000 डाव है, जिसमें से उन्हें सिर्फ 12,000 डाव तुम्हारी जिंदगी में यूज करता, 12,000 डाव। जिस दिन तुम मरने वाले रहते 60,000 डाव वैसे बचे वाले उसके, जिस दिन तुम मरने वाले रूह खींचे जा रही उस दिन तुम्हारे सिराने से ठहर कर 60,000 डाव यूज कर लेता है कि झटके में तुम कलमा नहीं पढ़ने देने के वास्ते, तुम्हारी मौत ऐसी करने के वास्ते कि तुम उस तरीके से मरना कि काफिर की मौत बोलकर तुम्हारे पे 60,000 ऑन द स्पॉट यूज करता हूँ। तो ये फिर कलमा कहाँ से तुमको पढ़ने का, तुम औलिया अल्लाह
दामन को नहीं पकड़ेंगे, औलिया अल्लाह का दामन पकड़ेंगे तुम तो अल्लाह उसके रसूल का दामन पकड़े, अल्लाह उसके रसूल का दामन पकड़ के अतात करेंगे तो औलिया अल्लाह का दामन पकड़ेगी बात है। बाकी बुत परस्ती से, शिर्क से, बिद्दतों से अल्लाह सारे मोमिन बंदों की हिफाजत करे। ओरिजिनल बिद्दत जिसको बोलते हैं उससे, तुमने जो बिद्दत बना ली वो नहीं, ओरिजिनल बिद्दत, ओरिजिनल शिर्क, ओरिजिनल ये जो भी दास्तान है भटकने की, अल्लाह इन सबसे तुम्हारी मोमिन बंदों की सबकी हिफाजत करे। इज्जत तो आपको भी जानो माल की मुकम्मल तौर पर कहने सुनने से अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। औलिया अल्लाह को कभी बुरा नहीं बोलना और सादात का बहुत अदब करना, सैयदों के ही आप किस सदक़े तुफ़ैल में तुम सब खा रहे हो। सैयदों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मोहब्बत करी कि उनका बुलेट लाइन है वो, उनका खून है। जरा पढ़ो तफसीरों में तो तुमको पता चलेगा मैं क्या बयान करूँ, मेरे अल्फाज नहीं है बयान करने के वास्ते तुम्हारे रुतबे और मर्तबे। तुम बोलेंगे कि हम भारी, अना अना अना, नफसी नफसी नफसी, जाओ फिर जहन्नुम जहन्नुम का ईंधन बनो फिर। बट दुनिया व आखिरत सवर जाएंगी और समझ देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जिसने मेरे औलादों से, मेरी आल से बुग्ज रखा, उसने मुझसे बुग्ज रखा, उसको कोई हौज़े कौसर का जाम नहीं मिलेगा, उसको कोई शफात की उम्मीद मुझसे नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने मेरे आल से बुग्ज रखा। अब बताओ तुम नबी के आल से बुग्ज रखेंगे और नबी के पास में जाकर शफात की उम्मीद करेंगे? नहीं हो सकता नबी, तो तुम जहन्नुम में जाने वाले। बहुत सारे बातें बाबा मैं क्या बोलूं, तुम अपने दीन और ईमान को बचा के लेके चलो ये दौर में, ऐसा ना हो जाए तुम नफसी नफसी के चक्कर में दीन और ईमान को बर्बाद ना कर दे अपने हाथ से। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोक चलो कौन से